छोटा सा ये ब्लूटूथ स्पीकर है और इसकी साउंड क्वालिटी बड़ी बेहतरीन है। इसमें दोस्तों लोकल भी आता है, ओरिजिनल भी आता है। अब भाई आप दुकान में चले जाओ और मेरी वीडियो देख के जा रहे हो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये वाली चीज़ तो मुझे वहाँ पे भैया ने बताई थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं माई इजी नॉलेज। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अपना विश्वसनीय प्रोडक्ट, सबसे बेहतरीन, मतलब ये जो है ना A005 ब्लूटूथ स्पीकर का नाम है और ये मैंने बहुत सारे देखे हैं, इसमें कोई शिकायत नहीं है, बहुत कम रेंज में आता है। अगर आप भी एक बड़ा होम थिएटर खरीदने में असमर्थ हैं और आप अपने गाने का मजा लेना चाहते हैं तो एक कमरे के लिए, मतलब एक कमरे में, बंद कमरे में इसको चलाओगे तो बड़ी बेहतरीन इसकी आवाज़ है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत कम पैसे में ये मिल जाता है। तो दोस्तों एक बार मैं इसके बारे में मतलब आपको सब कुछ बताऊँगा कि इसकी बैटरी बैकअप कितना चलता है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है वो मैं आपको इस पर सुना के भी दिखाऊँगा, और बैटरी बैकअप कितना चलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों झूठ कुछ भी नहीं है, सब कुछ सच्चाई है। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा भी होगा, आपको पता भी होगा ये कितने का आता है। जिन जिन लोगों ने ख़रीदा भाई, ईमानदारी के साथ कमेंट में रेट लिख के जरूर बताना कि आपके वहाँ ये कितने का मिलता है, और फिर मैं उनका रिप्लाई भी दूंगा कि हमारे यहाँ पर कितने का मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको और देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, कितना इसका बैटरी बैकअप है, चलिए देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। ब्लूटूथ मोड, शायद आपको आवाज आ गई होगी। अब इसको एक बार कनेक्ट करके देख लेते हैं। कनेक्टेड, यह हमारा ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें हम कुछ गाने वाने चला लेते हैं, ऐसे गाने जिसमें कॉपीराइट ना आए। आपको पता है ना कि ब्लूटूथ कॉपीराइट दे देती है, यूट्यूब कॉपीराइट दे देती है, ब्लूटूथ नहीं। बेस फील कराता हूं मैं आपको, ये हमने इसकी आवाज फुल कर दी है। साउंड क्वालिटी देख सकते हो कितनी बेहतरीन इसकी साउंड क्वालिटी है। एक बार इसकी फ्रेंड्स कम आवाज कर देते हैं, इसकी कम आवाज हो गई। अब इसकी आवाज एक बार फुल करके देख लेते हैं। बेस तो काफी बढ़िया है, छोटा सा ये ब्लूटूथ स्पीकर है और इसकी साउंड क्वालिटी बड़ी बेहतरीन है, मतलब कि जिस हिसाब से छोटा सा है ना उस हिसाब से इसमें साउंड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। अगर आप इसमें कोई मूवी चला के देखोगे तो इसमें आपको वही फील आएगा जैसा कि एक थिएटर में आता है। आपका हैंगिंग के लिए दिया भी हुआ है, एक बार इसको बंद कर देते हैं भाई, शांत हो जाए थोड़ी देर। FM mode. ये हमने अपना ब्लूटूथ स्पीकर बंद कर दिया। फिलहाल देखो इसकी खासियत क्या है, सबसे मेन चीज़ ये है कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है ना, बाकी के जो सस्ते वाले ब्लूटूथ स्पीकर मिलते हैं उन सबसे बेहतरीन है ये। मैंने खुद यूज करा है, इसमें मैंने गाने सुने हैं
इसको आप इसमें गाने चला के कहीं इसको दुबका के रख दो, कहीं छिपा के रख दो, कोई भी बंदा आएगा ना वो ये नहीं बोल सकता कि कोई सस्ता वाला ब्लूटूथ स्पीकर चला रखा है। वो यही बोलेगा कि कहीं पे होम थिएटर चला रखा है, होम थिएटर जैसी आवाज़ देता है छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर। तो मेरा खुद का टेस्टेड है, इसमें जो लाइट जलती है ना वो बड़ी प्यारी जलती है, लाइट मैंने आपको अभी दिखाई, लाइट बड़ी प्यारी जलती है इसमें। इसकी साउंड क्वालिटी बड़ी टॉप की है और इसका असली जो नाम है A005 कंपनी। ये जो ब्लैंक जगह पड़ी हुई है ना, यहाँ पे कोई कंपनी अपना यूवॉन का स्टिकर चिपका देगी, कोई विंगा जॉय का, कोई KDM का, कोई कुछ चिपका देगा कोई कुछ, लेकिन असली ये जो है A005 ये मॉडल है और इस पर जो जिसका स्टिकर लगा देगा उसी कंपनी का बन जाता है। इसमें दोस्तों लोकल भी आता है, ओरिजिनल भी आता है। अब भाई आप ले लो लोकल और आप फिर मेरे को कमेंट में गालियाँ लिखो, भाई मेरे को इतना बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर बताया था, मैं उसको लेके आ गया और इसमें ऐसी आवाज़ बहनी जैसी उन वाले में थी। तो मैं आपको इसका भी वो बता देता हूँ तरीका। इसमें जो लाइट है ना, जहाँ पे जो लाइट जलती है, जिस ब्लूटूथ स्पीकर में ये वाली जो लाइट है ये तेज जले, चमक ज़्यादा हो, उसकी शाइनिंग ज़्यादा हो, तो समझ जाना वो अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर है, अच्छी OG क्वालिटी का। एक इसका कॉपी ब्लूटूथ स्पीकर भी आता है 005 में ही, उसमें क्या होती है जो लाइट होती है ना लाइट, ये बहुत डिम सी लाइट जलती है, मतलब इतना आपको खास मज़ा नहीं आएगा, पता ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ अच्छी लग रही है, खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए लाइट जाएगी। लेकिन ये इसमें जो लाइट जलेगी वो रंग बिरंगी लाइट, वो अच्छी लाइट लगती है और वो इस जो जाली है ना इसमें से पार भी आ जाती है, उसकी पहचान है। दूसरा, आप आवाज़ सुन के तो पता लगा ही लोगे 2 मिनट में कि ये OG है या कॉपी है, आवाज़ से तुरंत पता चल जाता है। इस वाले जो ब्लूटूथ स्पीकर है इसकी जो साउंड है ना उसमें बेस है, और जो वो रहेगा ना उसमें बेस नहीं रहेगा, इसमें बेस है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस ब्लूटूथ स्पीकर की फुल चार्ज करने के बाद बैटरी कितनी चल जाती है। तो दोस्तों मैंने इस ब्लूटूथ स्पीकर को फुल आवाज़ में इसकी बैटरी चेक करी है गाने चला चला के, तो ये टोटल 3 घंटे 29 मिनट चला है, 3 घंटे 29 मिनट इसका बैटरी बैकअप है। और 3 घंटे 29 मिनट बहुत हो जाते हैं, लगातार 3 घंटे 29 मिनट कौन देता है, एक मूवी ख़त्म हो जाएगी अगर आप मूवी देखना चाहो तो, गाने सुनना चाहो तो भी 3 घंटे 29 मिनट बहुत होते हैं, 3.5 घंटे तो बहुत हो गए ना। और आवाज़ भी अच्छी है। प्राइज मैं आपको कमेंट में बताऊंगा, जिसको प्राइज ना पता हो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको प्राइज उसमें कमेंट में बता दूंगा। जिसने ये ख़रीद रखा है उसने लोकल ख़रीदा था या कॉपी ख़रीदा था या फर्स्ट कॉपी ख़रीदा था, कैसा ख़रीदा था वो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं, और कितने का ख़रीदा था और मेरे पास से कितने का मिल जाएगा कोई मंगाना चाहे तो फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करना। और इसी टाइप से आप अगर कोई भी चीज़ ख़रीदना चाह रहे हो ना, देखो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अब बताऊंगा, ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना, वो मैं किस लिए बता रहा हूँ, आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाने वाले हो उससे पहले मेरे चैनल पे उस चीज़ को एक बार सर्च मार के देख लो, मैं ऑनेस्टली उस प्रोडक्ट में कितना दम है ये मैं बताता हूँ यूज करके, ऐसा नहीं उस डब्बे पे क्या क्या लिखा हुआ, ये जो डब्बे होते हैं कि कितने घंटे चल जाएगी, कितना इसका चार्जिंग टाइम है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं नहीं बताता, मैं बताता हूँ यूज करके, इस्तेमाल करने के बाद मैं बताता हूँ कि ये जो चीज़ है उसमें कितना दम है, ये चलने लायक है या नहीं है। आपकी इच्छा करे तो लो, आपकी इच्छा ना करे तो मत लो, लेकिन आप इसको इसके बारे में जानो ज़रूर, कोई भी प्रोडक्ट में जो डालता हूँ ना उसके बारे में जानो ज़रूर कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें वाकई में दम है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप दुकान में चले जाओ और मेरी वीडियो देख के जा रहे हो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये वाली चीज़ तो मुझे वहाँ पे भैया ने बताई थी, ठीक है, और ये वाली चीज़ लेनी चाहिए ये नहीं लेनी चाहिए, इसमें OG क्या है कॉपी क्या है। दुकानदार भी सोचेगा यार ये इसको तो जानकारी है, तो मेरी वीडियो देखने का आपको ये फ़ायदा मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना। ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है इसकी बैटरी 3.5 घंटे चलती है, साउंड क्वालिटी बेहतरीन है। अगर आप इसकी कॉपी ले लोगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, ना उसकी बैटरी चलती है ना उसकी साउंड क्वालिटी, और सबसे मेन चीज़ उसमें जो लाइट है ना, लाइट जलती है वो भी उसमें बेकार सी लगती है, फॉर्मेलिटी के लिए लाइट लगा रखी है बस। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।